स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड नून, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? आज 2018 का लास्ट पेपर है। हम पहले पेपर को डिस्कस करेंगे 18 का, तो आज हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एक नया कंसेप्ट है कि संडे को मैं एक टेस्ट लेना चाहती हूँ प्रीवियस ईयर से, स्पेशली 2018, 2019, 2020 के क्वेश्चंस रहेंगे, और संडे को 12 PM पे लाइव आपका टेस्ट होगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस सेशन के बाद आपको बता दूंगी, ठीक है। कोशिश करिएगा कि उसको जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि आपको भी ये पता चलेगा कि आप जो क्वेश्चन इतने दिनों से सॉल्व कर रहे हैं तो कितना यहाँ अंदर तक सच में समझ में आया है ना। तो उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा PYQ का, ठीक है। अठारह, उन्नीस, बीस, तीन पेपर का। यस, पेपर टू का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप काफी सारे लोग आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपकी स्क्रीन पे। कल ये वाला क्वेश्चन लास्ट हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। आज का क्वेश्चन है पहला, हु यूज द टर्म मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव MBO फॉर द फर्स्ट टाइम। उद्देश्य द्वारा प्रबंधन का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ये मैंने आपको पढ़ाया है, यूनिट 9 जब हमने स्टडी किया था तो उसमें ये था। नहीं, एल्टन बयो ने ह्यूमन रिलेशनशिप का दिया था, टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का दिया था, ठीक है। पीटर ड्रकर इनका नाम था, इन्होंने ऑब्जेक्टिव के द्वारा मैनेजमेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एविडेंस विच टाइप ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन विल प्रूव मोस्ट इफिशियंट इन अवर स्कूल एंड कॉलेज. अनुसंधान साक्ष्यों के आधार पर किस प्रकार का शैक्षणिक पर्यवेक्षण हमारे विद्यालय और महाविद्यालयों में सर्वाधिक प्रभावी साबित होगा? ये तो आप लोग बता ही सकते हैं क्योंकि हमने ये बताया कई बार, इसको हमने पढ़ा है. जो भी लोग आंसर बताया करो थोड़ा डाल के बताया करो. 117 की बात कर रहे हैं हम तो. डेमोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन मॉनिटर्ड और मैनेजमेंट, तो किस तरह का हमारे यहाँ सबसे सही रहेगा? तो डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेट, हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा यही होता है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेट. क्यों? क्योंकि इसमें सभी को बोलने का राइट है, सभी को चूज करने का राइट है और सबको भाग लेने का राइट है. सो राइट आंसर इज सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच लेवल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट आर कंसेप्चुअल स्किल्स नीडेड मोस्ट? शैक्षणिक प्रबंधन के किस स्तर पर संकलनात्मक परक कौशल की सर्वाधिक जरूरत होगी? प्रिंसिपल, सुपरवाइजर, टीचर या फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन? कंसेप्चुअल स्किल का मतलब क्या है कि जो कंसेप्ट को क्रिएट करते हैं. तो कंसेप्ट को कौन क्रिएट करता है? जो पर्सन टॉप लेवल पे होगा. तो इसका आंसर क्या होगा? शीर्ष प्रबंधन स्तर, जैसे शिक्षा निर्देशक के स्तर पर, एट द लेवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट सच एज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, वहां पे आपको कंसेप्चुअल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक प्रबंधन से किस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होता है? हाउ इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिकली डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशनल मैनेजमेंट? यानी कि मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सा यहाँ पे अलग कर रहा है? आपने जो आंसर बताया है अर्चना, ऋतु, आप लोगों का कहना है, आप जो बता रहे हो ना, वो किसका आंसर बता रहे हो? मैं आपकी गलती बता दूं आपको. आप लोग जो आंसर बता रहे हैं ना, वो आप आंसर इसका बता रहे हो. आप आंसर आप डिफरेंस बता रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में. क्वेश्चन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट नहीं है, क्वेश्चन हमारा है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी कि शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन. तो दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा? रिजल्ट स्टेप, देखो इसके वो निकालो कीवर्ड, परिणाम, स्थिरता और सहभागिता, रिजल्ट स्टेबिलिटी एंड डिसीजंस ये बताएगा, या फिर प्रोसीजर, स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड स्टेबिलिटी ऑफ डिसीजंस, ट्रेंड सेटिंग, एक्सीलेंस, मल्टीप्लाइंग डिसीजंस, रणनीति, नेटवर्किंग, संस्कृति निर्माण पर जोर. तो क्या आपको लग रहा है कि एजुकेशन जैसा है थोड़ा थोड़ा? सो राइट आंसर इज सेकेंड. ये दोनों तो एकदम से नहीं है, ठीक है, ये दोनों तो एकदम से थे ही नहीं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता था, तो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में सहभागिता पूर्ण नेतृत्व शैली, यानी कि पार्टिसिपेटरी लीडरशिप स्टाइल, सबसे ज्यादा सफल प्रभावी कब होगी? जब शिक्षक और विद्यार्थी कैसे हो, एबल अनेबल, एबल अनेबल, पहले तो यही छांट लो. तो अनेबल वाला तो कभी नहीं आएगा, अक्षम तो कभी नहीं आएगा, है ना, तो अक्षम वाला हटा दो. अब एबल
अनबिलिंग एंड बिलिंग, किसी विद्यालय में सहभागिता पूर्ण यानी पार्टिसिपेटरी। सी एबिल बट अनविलिंग, ये कई सारे लोगों के गले नहीं उतरा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। ना बी डी तो नहीं होगा, लेकिन कई लोगों को कंफ्यूजन था यहाँ ए और सी में, कई सारे लोग इसका आंसर सी ए लगा के आते हैं। किसी विद्यालय में सहभागिता पूर्ण नेतृत्व शैली पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल इज लाइकली टू प्रूव मोस्ट इफेक्टिव, ये कब बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब समझना, आप लोग नेट पास करने के लिए एबल हैं, आप इसके लिए सक्षम हैं, लेकिन अप्रतिबद्ध है यानी कि अनविलिंग है यानी कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो आपको साथ में पार्टिसिपेट करके और आपसे पढ़ाई करा ले। अगर सपोज आप लोग एबल भी हैं और आप बिलिंग भी हैं, तो आपको तो किसी लीडर की जरूरत ही नहीं है, देन आपको लीडरशिप की जरूरत क्यों क्यों पड़ेगी, भीड़ इकट्ठा करने के लिए थोड़ी ना पड़ेगी। समझ में आया क्यों ऐसा होगा, कितना उल्टा सोच रहे होंगे आप लोग, ये सोच रहे होंगे कई लोग, मुझे पता है। डेलीगेटिंग में क्या होता है, डेलीगेटिंग स्टाइल में क्या होता है, हाँ तो हो जाएगा लो टास्क, यहाँ पे टास्क लो है और रिलेशनशिप भी लो है, क्योंकि बच्चे अपने आप पढ़ना चाहते हैं। सपोज मेरे यहाँ देखो इसका, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे मान लो मेरे यहाँ जो स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट ये वाले हैं, मतलब जिनका IQ+30 वाले हैं, तो ये लोग एबिल भी हैं और ये लोग बिलिंग भी हैं, तो इनके साथ मुझे कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगी काम करने में, कुछ नहीं, वो अपने आप पढ़ते रहेंगे और मैं बस एक सिंबॉलिक तरीके से उनके साथ रहूंगी। तो देन डेलीगेटिंग, टास्क भी लो है और रिलेशन, उन्हें कुछ सिखाना ही नहीं, उन्हें सब आता है, और तो जब टास्क भी लो होगा तो रिलेशनशिप भी लो हो जाएगा। समझ में आया, तो क्वेश्चन होता है यूं, उसकी डायरेक्शन होती है आंसर की इधर और आप सोच रहे होते हैं इधर। चलो अगला देख लो, आगे आपके लिए क्वेश्चन, टेलिंग सेलिंग पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग स्टाइल। अरे भाई वेरी नाइस, आंसर क्या है उसका, उसका आंसर क्या, इतनी देर से मैं क्या बता रही थी, इसका आंसर होगा थर्ड, एविल बट बिलिंग अनविलिंग। नेक्स्ट, 1-to-1 लीडरशिप का स्टाइल है और उसकी पावर के अकॉर्डिंग टेलिंग सेलिंग पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग, ये तो बता ही देंगे, अभी भी डिस्कस किया है। डेलीगेटिंग में क्या आएगा, सब एक्सपर्ट होते हैं क्या, है ना, डेलीगेटिंग में क्या होता है, बच्चे एक्सपर्ट होंगे तो डेलीगेटिंग का फर्स्ट आना चाहिए, तो ए का टेलिंग फिफ्थ, बी सेकेंड, सी फोर्थ, डी
फिफ्थ। हिंदी में देख लीजिए, नेतृत्व की शैली और शक्ति का आधार, जहां निर्देशात्मक शैली होती है, निर्देशात्मक शैली में गाइस सूचना शक्ति होती है, ठीक है, और जहां उपबोधात्मक शैली होती है वहां पे पदोच्चित्ति की शक्ति होती है, जहां प्रतिभागी शैली होती है वहां पे संदर्भ व्यक्ति होता है, और जहां पे प्रतिनिधात्मक होती है वहां पे विशेषज्ञ व्यक्ति होता है। कोशिश करो इसको इंग्लिश में याद रख लो, हिंदी में तो इनके नाम से अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप, इंग्लिश में कम से कम इसको देखकर तो पता। नहीं, इसका आंसर 1 नहीं होगा भाई, इसका आंसर बी है। अभी पढ़ाया था एक्सपर्ट किसमें होते हैं, प्रतिनिधात्मक, डेलीगेटिंग, तो विशेषज्ञ। अगला देखिए, फिर इसी से रिले क्वेश्चन है गाइस। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, इस ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन हमेशा आते हैं और हमेशा लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो इन दोनों को इसी पेपर से ही रट लो बैठ के। हाई टास्क, लो रिलेशनशिप, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, वो बहुत अच्छे से क्लियर भी किया था। ऐसे करके बताया था, तो यहाँ पे दोनों चीजें हाई होती हैं, है ना, यहाँ पे दोनों चीजें लो होती है, यहाँ पे एक हाई होता है एक लो होता है, यहाँ पे एक लो होता है एक हाई होता है, ऐसे करके पढ़ाया था। डेलीगेटिंग टास्क में क्या होता है, लो दोनों लो होते हैं, तो डी का क्या होगा, 1। इसी से एक भी अगर याद होगा ना, एक भी अगर आपको ठीक से याद है तो ये पूरा आंसर निकल जाएगा, बशर्ते आप इसको इंग्लिश में याद करें, हिंदी में कतई गलती से भी हाथ मत लगाना, है ना। कुछ क्वेश्चन है तो आप अपना बैरियर छोड़ कर पीछे कि नहीं मुझे तो हिंदी में करना ही नहीं है, वो वाला नहीं, कुछ चीजें छोड़कर इसको तो कम से कम इंग्लिश में जरूर याद रखो, है ना, क्योंकि ये आसान है देखो। और इसको अब इसको क्या करो, इसको क्या करना है, आपको अपना नोट्स तैयार करना है। देखो आप लिखो डेलीगेटिंग स्टाइल, लो टास्क, लो रिलेशनशिप, ऐसे लिखने के बाद इसी के आगे लिख दो एक्सपर्ट स्टाइल, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट स्टाइल, जो पीछे वाले क्वेश्चन में है उसी से इसके क्या बन जाएंगे, पूरा एक लाइन में आप याद कर लो बैठ के। अच्छी ट्रिक है, जैसे आपने डेलीगेटिंग अभी पकड़ा हमने, तो डेलीगेटिंग का क्या था, डेलीगेटिंग में था, डेलीगेटिंग का आंसर था लो एक्सपर्ट पावर, तो एक्सपर्ट पावर, डेलीगेटिंग स्टाइल, और इसका और आगे एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि जहां पे लो टास्क होता है और लो रिलेशनशिप होती है, हमेशा आपको ये 4 मार्क्स दे के जाएगा। राइट आंसर इज 4। अगला देखिए, हिंदी में देख लो, निम्न कृत्य निम्न संबंध बताइए। नहीं, सारे याद करो, सिर्फ एक नहीं करना है, सारे याद करने हैं, क्योंकि इस बार तो देखो सीधा सीधा एक से आपका हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि चारों याद होंगे तभी होता है, तो हम क्यों चारों को छोड़ें, चारों को याद करो, ठीक है। अगला देखिए, टाइप ऑफ वैलिडिटी, ये वो टॉपिक है जो स्टूडेंट को सबसे कम आता है, राइट। आंसर बताएं इसका, 23rd का, आंसर इसका क्या होगा, 1। ए का सेकेंड, प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस हम किस में देखते हैं, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में देखते हैं, कार्य निष्पादन और उसकी माप भविष्य सूचक वैधता का गुण होता है, सो राइट आंसर इज ए।
अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ एक कक्षा के परीक्षण में एसडी जहां पे इतना था, साइकोलॉजी में मार्क्स इतने आए, तो सब उसमें बेहतर काम किया है, बताओगे? कैसे निकाला? अच्छा, डिवीजन से निकाला है। ठीक है, सही निकाला है आप लोगों ने इसका आंसर। आंसर इसका क्या होगा? मनोविज्ञान में उसने ज्यादा अच्छा काम किया है। जेड स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? साइकोलॉजी में उसके मार्क्स कितने हैं? 50। साइकोलॉजी में उसके मार्क्स कितने हैं? 50। और मीन कितना है? 45। एसडी कितना है? मानक विचलन यहाँ पे 5। तो पहले आपको सॉल्व करना सिखाया था, 50 माइनस 45 अपॉन 5, तो कितना आएगा? 1। मैथ का देखते हैं, तो मैथ में जो मार्क्स थे वो कितने थे? 70। और मीन कितना था? 80। और एसडी कितना है? दूसरा मैथ वाला एसडी, एसडी कितना है यहाँ पे? एसडी है यहाँ पे 5। तो कैसे निकालेंगे? 70 माइनस 80 अपॉन 5, यहाँ पे बचा 70 में से 80 गया 10। और इधर बचा, तो ये माइनस का 2। तो मैथ में जो जेड स्कोर आया वो कितना आया? माइनस 2। और साइकोलॉजी में कितना आया? 1। इतना क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो कौन सा बड़ा है इसमें? मैथ में है माइनस 2 और साइकोलॉजी में है प्लस का 1, तो कौन सा बड़ा है इसमें? मैथ वाला बड़ा है कि साइकोलॉजी वाला बड़ा है? तो साइकोलॉजी का बड़ा है, तो इसका मतलब है कि उसने मनोविज्ञान में ज्यादा अच्छा काम किया है। तो जेड स्कोर तो निकालना खूब आ गया होगा, कितने सारे प्रैक्टिस कर डाली आपने? अगला क्वेश्चन देखिए। टी स्कोर करस्पॉन्डिंग टू अ जेड स्कोर ऑफ 2 विल बी, दो दो जेड
प्राप्तांक से संबंधित टी प्राप्तांक का मान क्या होगा? इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? 50 + 10 × z² टी स्क्वायर इज इक्वल टू यस 50 + 10 z। ठीक है, हम हमेशा 50 अज्यूम करके चलते हैं। 50 अज्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि 50 क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। जब आप कभी भी एवरेज की बात करेंगे तो 100 को अगर आपने लिया है तो आप 50 को अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो 50 + 10 50 + 50 + 10 और जेड की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे जेड स्कोर कितना है? (2) तो ये हो गया आपका 20, इसे जोड़ेंगे तो 70। तो यहाँ पे जेड प्राप्तांक से संबंधित टी की वैल्यू कितनी होगी? विश्वसनीयता के बारे में कौन कौन सही है? फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट आर स्कोर, कौन सा सही है? इसका होगा 4, सेकेंड और थर्ड ओनली करेक्ट है। इट इज अ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट विद इटसेल्फ, सेकेंड सही है, एंड थर्ड इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, बाकी सब क्या है? रॉन्ग है। सो राइट आंसर इज 4। अगला क्वेश्चन देखिए, होमोजीनियस टेस्ट हैव लो रिलायबिलिटी रीजन इसका रेंज ऑफ टेस्ट स्कोर अफेक्ट रिलायबिलिटी। सजातीय परीक्षणों की विश्वसनीयता कम होती है और परीक्षण के अंकों के प्रसार क्षेत्र का विश्वसनीयता पर प्रतिकूल इफेक्ट भी पड़ता है। ठीक है, दोनों सही है बट ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों सही है बट सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों गलत है। अरे बाप रे, सजातीय जो टेस्ट होते हैं ना होमोजेनियस एक जैसे,
उनकी जो वैलिडिटी होती है, जो रिलायबिलिटी होती है, वो कम होती है. तो बोथ आर करेक्ट, बट एक्सप्लेनेशन से ही नहीं है. नेक्स्ट, टीचर प्रिपेयर लिस्ट ऑफ टेस्ट लेटेस्ट अराइवल्स इन द वेरियस लाइब्रेरीज ऑफ द कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, रेफरेंस बुक ऑफ रिपोर्ट. अरे बुक्स को लिखा है, बुक्स को ऑर्डर में रखना है. एक क्या होगा, रेशियो, रैंक में नहीं रख रहा है, रैंक में नहीं रख रहा है. अगला देखिए, 129. अब इसे कर लेंगे, कोशिश कर, छोड़ दूं कि कर मैं कराऊं. द कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन स्कोर ऑन टू पैरल टेस्ट वाज फाउंड टू बी 0.48. इफ बोथ द टेस्ट आर कॉम्बाइंड द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ द कॉम्बाइंड टेस्ट वुड बी. दो समांतर परीक्षणों के अंकों के मध्य सहसंबंध गुणांक कितना था? यदि दोनों परीक्षण संयुक्त होते तो गुणांक कितना होता? बताओ, कर लोगे तो आंसर बताओ, नहीं कर लोगे तो सॉल्व कराया जाए. इसका आंसर था रेशियो. 128 का आंसर रेशियो, 129. फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर करो कोशिश. आंसर दिया है किसी ने, राजेश ने आंसर लिखा है, उसको पढ़ रहे. रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, कि हमें क्या निकालना है, विश्वसनीयता गुणांक निकालना है. तो रिलाय मैं शॉर्ट में लिखे दे रही हूँ, रिलायबिलिटी आर सी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2 × कोरिलेशन कोएफिशिएंट, 2 × कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट अपॉन 1 + सीएफ. तो यहाँ पे रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कितना है, 2 समांतर परीक्षणों के मध्य. रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? यही हमें निकालना है. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है, के बीच सहसंबंध गुणांक कितना है यहाँ पे, 0.48. तो 2 × कितना है, 0.48 अपॉन 1 +0.48.
इसको कैलकुलेट कर दीजिए। सॉल्व करिए तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 2 × 48 अपॉन 1 + 48। तो 2 × 48 कितना हो गया? 96 अपॉन 40। क्वेश्चन में कितना दिया है? 0.480 तो दिया, और मैंने क्या यहाँ पे लिखा था? 0.480 तो लिखा था, 2 × 0.48 एंड 1 + 0.48 यही तो लिखा था। इसको ऐड कर दो इसमें, तो 1.48 हो जाएगा। इसको इंटू कर दो तो हो गया आपका 96। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 96 अपॉन 1.48 डिवाइड कर दीजिए। तो 12 120 में डिवाइड कर दो 19 से, तो आपका आएगा 0.65। सो अप्रोक्सीमेट लगभग आ रहा है आपका। सो राइट आंसर क्या होगा? 0.65। अगला देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। First, ET is a network of techniques of for promoting effective learning condition. एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रविधियों का वह समवाय है जिसमें प्रभावी अधिगम परिस्थितियों का संवर्धन होता है। करेक्ट। हार्डवेयर से अधिकतम प्रयोग ईटी को कहा जाता है। गलत। सेकंड नहीं हो सकता। द मैक्सिमम यूज ऑफ हार्डवेयर इज कॉल्ड ईटी। सेकंड नहीं होगा एनी हाउ, तो फर्स्ट सेकंड तो गया ही गया। थर्ड, फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ईटी। तो सेकंड थर्ड नहीं होंगे, सेकंड थर्ड नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं लैपटॉप पे पढ़ रही हूँ। ईटी इज अ नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स फॉर प्रमोटिंग इफेक्टिव लर्निंग कंडीशन, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड है कि सिर्फ हार्डवेयर एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, सिर्फ सॉफ्टवेयर है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। हाँ हाँ कर रहे हैं शो, तो सेकेंड और थर्ड नहीं हो सकता। तो सेकेंड और थर्ड हटा दो, सेकेंड गया थर्ड गया, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट सही है एंड फिफ्थ सही है और सिक्स्थ सही है। थर्ड भी नहीं होगा और सेकेंड भी नहीं होगा।
ईटी प्रविधियों का वो संवाय है, को सिर्फ सॉफ्टवेयर सिर्फ हार्डवेयर नहीं हो सकता, है ना। सो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर रिलेवेंट यूजिंग सॉफ्टवेयर अप्रोच फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। अनुदेशात्मक अविकल्पों के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यूज ऑफ एविडेंस ऑन लर्निंग, यूजिंग ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस कहाँ से आ गया? फिजिकल साइंस वाला तो होगा नहीं, सेकेंड नहीं होगा, है ना, सेकेंड हटा दो। इसका आंसर होगा सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है? एविडेंस के लिए यूज करते हैं हम, फाइंडिंग रिसर्च बिहेवियर साइंस में यूज करते हैं, एंड इनसाइट फ्रॉम यूज ऑफ वेरियस लर्निंग रिसोर्सेज के लिए यूज करते हैं। सेकेंड इज करेक्ट आंसर। अधिगम आधारित साक्ष्यों के उपयोग के लिए करते हैं, व्यवहार विज्ञान में कृत शोधों के परिणाम के लिए उपयोग करते हैं, और विभिन्न अधिगम संसाधनों के उपयोग से प्राप्त अंतर्दृष्टि के उपयोग के लिए करते हैं। सो राइट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी क्रियाओं को शिक्षण में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक माना जाता है? पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री एक्टिव स्टेज। राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट जरूर होगा, है ना, फर्स्ट तो सही होगा ही होगा, इसके बाद सेकेंड, प्रस्तुतिकरण, निर्देशिका, पाठ योजना बनाना। आप ऐसे समझ लो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो फिर आप क्या करोगे? तो हम लेसन प्लान बनाएंगे और उनके लिए ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। तो 31 का हो, 32 का आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ ही सही है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक शिक्षक भाषा की कक्षा में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं का केवल मान्यता और असमानता का उल्लेख करता है, तो उस शिक्षण का स्तर किस लेवल का होगा? तो एक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में तो कोई आंसर होगा, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल में से। तो मतलब मैं आपको कोई चीज पढ़ा रही हूँ कंपेयर करके, ऐसे समझ लो। तो कंपेयर किसको समझ में आता है? मेमोरी ले, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। यस, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेड फ्लैंडर्स की अतः क्रिया विश्लेषण पर आधारित प्रणाली का प्रमुख ध्यान किस पर है? छात्रों के वर्बल बिहेवियर पे, नॉन वर्बल पे, किस पे है नेड फ्लैंडर्स? शिक्षकों के वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर्स। यस, राइट आंसर इज फोर। तो 134 का सही आंसर क्या होगा? फोर। अगला क्वेश्चन, अ टीचर इज ऑर्गेनाइजिंग रिफ्लेक्टिव लेवल एकेडमिक डिलेबरेशन डेलिबरेशंस इन द क्लासरूम, द स्कोप फॉर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विल बी ऑप्टिमम इन सच अ सिचुएशन। 135, टू वे इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना, कि डिस्कस कर रहा है टीचर। डिस्कस कर रहा है, सो राइट आंसर इज सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, टीचिंग एज अ सिस्टम विल बी कंसीडर मोस्ट इफेक्टिव इन द डिफरेंस बिटवीन इंटेंट एंड एक्चुअली अचीव्ड आउटकम इज। प्रणाली के रूप में शिक्षण को स्थिति में सर्वाधिक प्रभावी माना जाएगा जब वांछित एवं वास्तविक रूप से परिणामों में अंतर है, बहुत ज्यादा या बहुत कम या मीडियम।
देखो दोनों आंसर इस फर्स्ट सेकंड में से ही होगा। क्योंकि बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। मतलब इफेक्टिव टीचिंग है या नहीं है, जो आउटकम है, रिजल्ट है और जो एक्सपेक्टेशन है उसमें बहुत डिफरेंस है, तो वो क्या माना जाएगा कि अच्छी टीचिंग नहीं है, मिनिमम है। तो राइट आंसर इज वन। नेक्स्ट, जो बच्चे धीमे सीखते हैं उनकी पहचान करिए। लैक कंसंट्रेशन, हाइपर एक्टिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, फेस डिफिकल्टी फेस करते हैं, तो कौन से स्लो लर्नर कौन होते हैं? तो पहली बात है दे लैक कंसंट्रेशन। तो पहला सही है, दे लैक कंसंट्रेशन। ठीक है, पहला तो सही होगा ही होगा। सेकेंड, वे इम्पल्सिव और हाइपर एक्टिव होते हैं। नहीं, जो हाइपर एक्टिव होते हैं वो जल्दी सीखते हैं, तो सेकेंड नहीं हो सकता है ना। थर्ड, दे हैव निगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग। यस, वो नकारात्मक होते हैं सीखने के प्रति। तो फर्स्ट और थर्ड तो होगा ही। अब देखें फिफ्थ, फिफ्थ और सिक्स, फोर, फोर कह रहा दे आर एग्रेसिव। नहीं, एग्रेसिव वाले भी जल्दी सीख लेते हैं। फिफ्थ, दे फेस डिफिकल्टी, है ना, उन्हें कठिनाई लगती है पढ़ने में। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इंडिकेट द करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। इनमें से किसे आप डिसेबल्ड चाइल्ड मानेंगे, जिसका सम मिनिमल ब्रेन डिफ्यूजन, हियरिंग डिसेबिलिटी, मोटिवेशन नहीं है लर्निंग के लिए, या फिर रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम है? क्या होगा इसका आंसर? वन थर्टी एट में देखो ए नहीं होगा, है ना। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में मोटिवेशन कम है, इंटरेस्ट कम है, तो वो डिसेबल नहीं है, तो एक तो नहीं हो सकता। बालक सीखने के प्रति रुचि तथा अभिप्रेरणा का अभाव होता है, तो ये तो नहीं होगा है ना, तो फर्स्ट हटा दो। इसके बाद बालक को मूल लिखना पढ़ना इनमें कठिनाई हो रही है, ठीक है, तो ये तो हो सकता है, है ना। डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया सब इसी में आते हैं, तो ये तो होगा। इसके बाद बालक की क्षमताओं के बीच विसंगति पाई जाती है ना, वो उतना नहीं कर पाता जितना बाकी बच्चे कर लेते हैं, तो थर्ड भी होगा। और इसका सही आंसर होगा इवन, दोनों ही सही हैं। आप देखो ना इसको, तो दोनों सही लग रहे हैं। चाइल्ड हैव विजुअल मोटर और हियरिंग डिसेबिलिटी, है ना, ये गलत तो ये भी नहीं है, और हैज सम मिनिमल ब्रेन डिफ्यूजन, ये दोनों ही गलत नहीं है, ये दोनों ही सही है ना। अगर भाई किसी को विजुअल प्रॉब्लम है तो उसे डिसेबल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पर इसका आंसर यूजीसी ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। फर्स्ट नहीं होगा और फिफ्थ जरूर इन्होंने लिया है, तो फिफ्थ तो होगा ही होगा, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है। सेकंड भी होगा। अब थर्ड देखते हैं, बिटवीन चाइल्ड पोटेंशियल एंड एक्चुअल अचीवमेंट और विजुअल मोटर एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। यस, इम्पेरिमेंट में आएंगे ना। यस, ये जो है
चाइल्ड विजुअल मॉडल, ये डिसेबिलिटीज में नहीं आता है, ये वेरी गुड चैताली, ये किस में आता है, एम्पावरमेंट में आता है। हाँ फिर ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी बालक को अपने माता पिता शिक्षकों से बार बार दंड चढ़ाया जा रहा है तो इसका क्या होगा। 139, वो क्या बन जाएगा आगे चल के, अपराध करने लगेगा, क्रिमिनल बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी टीचर बन जाओ तो किसी बच्चे को चिढ़ाना नहीं है, है ना, किसी बच्चे को दंड नहीं देना, पता चले वो आप पे ही आगे बंदूक लेके खड़ा हो जाए, अच्छा तो भी मारा था मुझे। नेक्स्ट, सो राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बता ही दोगे, 140। बस कुछ सीरियल से लगे हुए हैं, 140 में सारे सीरियल से लगे हुए हैं, 1 2 3 4। चलो एक क्वेश्चन तो आपके लिए एग्जामिनर ने आसान रखा ताकि आपको कोई डिमोटिवेशन नहीं हो, एक क्वेश्चन ऐसा था जो देखते ही हो सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए, उफ, कैटेगरीज और उसका कॉज दिया है, पोस्ट नेटल, प्री नेटल एंड पेरिनेटल कॉजेस, जन्म के पश्चात, जन्म से पूर्व और जन्म की अवधि के कारण, तो इसमें से क्या, अब देखिए क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटी होती है बच्चे में, जो उसके क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम, उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम जो आती है, तो वो बाद में तो आती नहीं है, वो तो पहले ही आ जाएगी, है ना, तो ए का क्या होगा। तो प्री, जन्म से पहले, प्री नेटल में जन्म से पहले, क्रोमोसोम संबंधी जो प्रॉब्लम होती है वो जन्म से पहले होती है, तो बी का फर्स्ट, तो ए का क्या, बी का फर्स्ट दो में है, तो ए का क्या होगा ये देखना पड़ेगा, पोस्ट नेटल, जन्म के बाद, तो जन्म के बाद क्या होगा अगर अच्छे से केयर नहीं की जाएगी, है ना। तो एक का क्या होगा, थर्ड, यानी कि बच्चे को कम मेला न्यूट्रिशंस या फिर पुअर मेडिकल केयर होगी तो भी उसके अंदर बीमारी आ जाएगी, तो जन्म के पश्चात, और जन्म के पश्चात थर्ड, तो सेकेंड सही आंसर है, और सी का क्या होगा, प्री नेटल, वो है क्रोमोसोमल है, एंड ए का हो गया एंड बी का फर्स्ट हो गया, एंड सी का क्या हो गया, सेकेंड, प्री नेटल, पेरीनेटल, एनोक्सिया एंड एस्फाइक्सिया। हिंदी में देखिए, जन्म के पश्चात के कारणों से कुपोषण और असंतोष अगर चिकित्सीय सुविधा ना मिले, जन्म के पूर्व कारणों में आता है गुणसूत्र संबंधी असामान्यता और जन्म की अवधि के समय, तो एनेक्सिया एंड एक्सपी एक्सपिया, राइट आंसर इज सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, डिसग्राफिया, एस्पेक्सिया, एस्पेक्सिया, एस्पेक्सिया तो आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, देखो एफेक्सिया क्या होता है, एफसेक्सिया, सेक्सिया,
सी का सेकेंड यानी कि जन्म अवधि का कारण होता है, तो डिसीज नहीं है, लर्निंग डिसीज नहीं है ये। इसी को अगर किसी को थोड़ा भी बुद्धि होती तो इस क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। इसका सही आंसर क्या होगा? एस्फेक्सिया। अब आपको मुझे कमेंट में ये बताना है एलेक्सिया क्या होता है, ठीक है? अभी मत बताना, कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन, साउंड आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग आउटर और मिडिल ईयर। अरे बाप रे, बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा है। इनर ईयर डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड ब्रेन इज अनेबल टू इंटरप्ट द सिग्नल्स। तो दोनों को मिलाना है आपको, हियरिंग डिसऑर्डर पूछ लिए हैं बहुत ही ज्यादा डीप में जाके। इतना आप नॉर्मल स्टूडेंट से तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। खैर मैं आंसर बता देती हूँ, इसका थर्ड आंसर होगा। देखिए, वाह अथवा मध्य कान में प्रवेश में रुकावट, आंतरिक कान का समुचित रूप से कार्य नहीं करना, मस्तिष्क संकेतों की व्याख्या करने में अक्षम है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? थर्ड होगा, क्योंकि जब साउंड कान में जा ही नहीं रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी मिक्स्ड टाइप की हियरिंग लॉस हुआ है। और जब आंतरिक कान, अंदर का कान ठीक से काम नहीं करता है तो उसको बोलते हैं संवेदी जो तंत्र था वही खराब हो गया। और सी का मस्तिष्क संकेतों की व्याख्या करने में अक्षम है, तो केंद्रीय श्रवण प्रक्रिया कैसी हो गई? एकदम से खराब हो गई। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रो टीचिंग सिमुलेशन एक्शन रिसर्च इंटरेक्शन एनालिसिस प्रोसीजर। तो ये तो बता ही दोगे, एक्शन रिसर्च से निकाल सकते हो इसका आंसर। डी का देख लो, डी का क्या होना चाहिए? एक्शन रिसर्च कहाँ होती है? स्कूल में होती है, क्लासरूम। तो स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप कंपेटेंसी। सो राइट आंसर इज ये। ए का माइक्रो टीचिंग कोर टीचिंग स्किल रिलेटेड कंपेटेंसी। सी का, ए बी का राइट आंसर इज बी। सूक्ष्म शिक्षण अनुरूपण क्रियात्मक शोध, विद्यालय तथा समुदाय से जुड़ी दक्षताएं। विद्यालय तथा समुदाय से जुड़ी दक्षताएं क्रियात्मक शोध, तो डी का सेकेंड होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? आपका सेकेंड इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, ये वाला बताओ कौन कौन सा, इसमें कौन कौन सा एजुकेशन क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ा हुआ है? एक मैं बता देती हूं, ये वाला क्वेश्चन समझा दूं, ये वाला तो आप लोगों को पता होगा ना। सूक्ष्म शिक्षण कहाँ होता है? सूक्ष्म शिक्षण होता है जो हम टीचिंग करते हैं, तो हम उसके लिए हमें कोर टीचिंग से रिलेटेड है। अनुरूपण, ये तो सब बहुत आसान है, ये तो सब आपके टॉपिक पढ़े हुए हैं, पढ़ के देखना दोबारा इसको। अगला देखिए, तो इसमें एनसीटी तो होगा ही होगा, एससीईआरटी भी होगा, एनसीईआरटी भी होगा, क्या 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 नहीं होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को देख के सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर क्लासरूम में इम्प्रूवमेंट के लिए आए तो हमेशा एक्सटर्नल रिसर्च होगा। इसका आंसर होगा बी, सीबीएसई और आईसीएसएसआर का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका सही आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनसीटीई के काम पूछे गए हैं कौन कौन से हैं, ये तो बता ही दोगे। मेंटेनेंस स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन और प्रिवेंटिंग कॉमर्शलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटीई के काम। तो राइट आंसर होगा इसका 4, यानी कि शिक्षक शिक्षा के मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण करती है और शिक्षा संस्थाओं में व्यवसायीकरण होने से रोकती है। तो चौथा सही है। अगला क्वेश्चन, यह समझने में समर्थ बताने के लिए बच्चे कैसे बढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, इस क्या दिखाता है ये? समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, प्रशासन, दर्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे कैसे सीखते हैं, बस ये बात ध्यान रखना, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, लर्निंग एंड ग्रो। तो ये किसका है? साइकोलॉजी का पार्ट है। वेरी गुड। सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, कौन से स्टेप लेने चाहिए? डिमांड और सप्लाई टीचर शुड भी नहीं होना चाहिए, डिमांड और सप्लाई नहीं, सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। तो 148 कंसेक्यूटिव सेकेंड। एकेडमिक सपोर्ट द टीचर एजुकेशन नहीं होना चाहिए। करिकुलम, सबसे पहली बात तो करिकुलम सही करिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप लेंगे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और फिफ्थ, यानी कि सेकेंड इज करेक्ट आंसर। शिक्षकों की शिक्षा में व्यवस्थित सुधार करने हेतु पहला कदम उठाएंगे, पाठ्यक्रम को ठीक करेंगे, फिर कार्यक्रम की निगरानी करेंगे और फिर सतत रूप से कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करेंगे। तो राइट आंसर इज सेकेंड। 148 का सही आंसर क्या होगा? सेकेंड। अगला देखिए, 149, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के प्रयोगात्मक कार्य के घटकों को शामिल करने का प्रावधान है। द कंपोनेंट्स ऑफ प्रैक्टिकम इन अ टीचर एजुकेशन कोर्सेज आर इंक्लूडेड टू प्रोवाइड, किस लिए? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज के लिए। तो सेकेंड इसका भी सेकेंड ही होगा। तो प्रैक्टिकल क्यों कराया जाता है? ताकि हम प्रोफेशनल स्किल को सीख सकें, है ना? वैल्यू वैल्यू के लिए नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ ही स्किल सीखने के लिए, टीचिंग करना आ जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मॉडिफाइंग टीचिंग बिहेवियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी हैव बीन सपोर्टेड बाई रिसर्च एविडेंस। ओके गाइस, आज आपका पेपर खत्म हो गया, 2018 वाला। बहुत बहुत बड़ा, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने बहुत बड़ा पेपर कंप्लीट किया, बहुत टफ। अभी तक पूरे एजुकेशन का अगर आप पूरा पेपर उठा लेंगे ना, तो 2018 का पेपर सबसे कठिन पेपर था। ठीक है, कल कुछ क्वेश्चन में डाउट रह गए थे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, 185 क्वेश्चन तो होते हैं। कल दो तीन डाउट रह गए थे, DEL वाला कौन सा था, डेल वाला क्वेश्चन कौन सा है? अब क्वेश्चन नंबर बताओ। तो कल कुछ क्वेश्चन में डाउट थे, एक तो था क्वेश्चन नंबर 105,
फॉलो अप वाला, प्लेसमेंट, जॉब एनालिसिस, जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। इसका चैलेंजिंग आंसर की से इसके आंसर देखें दोबारा से। तो इसका जो सही आंसर था वो क्या है, कल इस पे बहस चल रही थी ना कि थर्ड होगा या वन होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो वन होगा। डी का सेकेंड, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, एक कल वाला जो क्वेश्चन था। ठीक है, इसका था वन आंसर, 105 का वन। एक डाउट और था हम लोगों को, 107 सिंथेसिस डायग्नोसिस प्रोग्रेसिव एनालिसिस काउंसलिंग फॉलोअप। 107 का जो आंसर था वो भी क्या था इसका, वन था। तो आप लोग बिल्कुल सही थे कि सबसे पहले यहाँ पे एनालिसिस आएगा, तो एनालिसिस में हम कलेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन करते हैं यहाँ पे सिंथेसिस में, तो इसका भी जो आंसर था वो क्या था, वन। इसके बाद है 107 हो गया था, इसके बाद जो डाउट थे वही ले रही हूँ बस मैं। 109 में भी डाउट था, 109 का आंसर था फोर, सिग्निफिकेंट एपिसोड इन स्कूल लाइफ, है ना, विद्यालय जीवन के महत्वपूर्ण आख्यान। ये किसका है आपका, एन एक टोटल रिकॉर्ड। मैं सारे ले रही हूँ, आप टेंशन ना लें, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगी देन मैं करती हूँ हमेशा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट एपिसोड इन स्कूल लाइफ, यानी कि विद्यालय जीवन में जितने महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं वो सब इसमें आते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को कंसेप्ट बहुत क्लियर है, है ना। अगर यूजीसी फिर से भी मिस्टेक हो जाएगी तो भी आप सही कर ही देंगे। सो राइट आंसर इज फोर। इसके बाद एक और डाउट था, इस वाले में, कि किसमें दोनों हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसका भी आंसर क्या था, यूके था। चलिए अब बताइए आपका DEL वाला कौन सा क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से क्वेश्चन की आप बात कर रही हो। डेलीगेटिंग और वो वाला तो नहीं बता रहे हो कहीं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल। ऐसे समझ लो जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस तरह की सरकार बनाई है कि कुछ तो बना दी है उसने यूनियन टेरिटरीज और कुछ बना दी है स्टेट। तो यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, ओनली एंड ओनली किसकी सत्ता होती है, सिर्फ और सेंट्रल की। तो सारी पावर किसके हाथ में, केंद्र के हाथ में, तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और स्टेट में पावर किसके हाथ में होती है, स्टेट गवर्नमेंट के, तो इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यानी पावर को जब लोगों में बांट देते हैं तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन, और जब पावर सिर्फ एक हाथ में होती है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो एडगर डेल का क्वेश्चन कौन सा आया है, इसमें क्वेश्चन आया है एडगर डेल का, नेट फ्लैंडर्स का था।
कौन सा क्वेश्चन नंबर है? प्लीज क्वेश्चन नंबर बताएं। शाम का क्लास शाम के टाइम पे ही होगा, 6:30 या 5, 5:30 या 6:30। एक्स एंड रिसर्च वाला क्वेश्चन। कहाँ चला गया? ये वाला क्वेश्चन है, वो आपसे ये पूछ रहा है। यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में डेवलपमेंट ऑफ द कंपेटेंसी, यानी कि किस तरह की क्षमताएं कंपेटेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। आप सपोज माइक्रो टीचिंग कर रहे हो, तो माइक्रो टीचिंग क्या, सूक्ष्म शिक्षण जिसको बोलते हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण का मतलब ये होता है कि हम टीचिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो कोर टीचिंग स्किल से रिलेटेड होगा ये, यानी कि मुख्य तरीके की आपके अंदर टीचिंग्स की कंपटेंसीज होनी चाहिए। सिमुलेशन, सिमुलेशन रिलेटेड है आपका थर्ड से, प्रोफेशनल स्किल रिलेटेड, एंड सॉरी परसेप्चुअल स्किल रिलेटेड, एंड डी एक्शन रिसर्च का। यहाँ पे ये मतलब है कि एक्शन रिसर्च तब की जाती है जब हमें किसी तत्काल परिस्थिति में इम्प्रूव करना हो, तो क्लासरूम की जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो स्कूल और कम्युनिटी का क्या रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड कंपटेंसी। तो सीधा सा है वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी है और क्या यहाँ उससे रिलेटेड क्षमता है। तो स्ट्रेटजी है हमारी कि हम एक्सेल रिसर्च करेंगे तो किस तरह की क्षमता होनी चाहिए, तो हमारे अंदर स्कूल और कम्युनिटी रिलेशनशिप को जानने की क्षमता होनी चाहिए। अब जैसे इंटरेक्शन एनालिसिस, हम इंटरेक्शन एनालिसिस कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन एनालिसिस मतलब डायग्नोस्टिक स्किल होनी चाहिए कि भाई आपके और मेरे बीच में जो इंटरेक्शन है तो डायग्नोस किया जाएगा। तो इस तरह से उसने पूछा है, तो स्ट्रेटजी और कंपेटेंसी के बीच। अब बताइए और किसी का याद नहीं, डेल का कोई क्वेश्चन आया है? बाकी लोगों को याद हो तो बताओ। आप लोग पेपर अपने पास लेके बैठा करो, पहली बात है ना, जब पेपर खुद हाथ में होगा तभी आप बता पाओगे, अच्छे से उसका एनालिसिस कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 128 आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपको लग रहा है कि सिर्फ बुक लिस्ट की बात है, और बुक लिस्ट तो एकदम से सीधा या तो ऑर्डर में आने चाहिए या इसमें आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन देखो, एक टीचर यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेज में जितनी भी बुक्स हैं उन सब की लिस्ट तैयार कर रहा है, और उसी लिस्ट से किताबें रखी जाएंगी, तो इतनी सारे बड़े लेवल पे मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे रेशियो स्केल का यूज करें। ठीक है, एक शिक्षक कक्षा में बच्चे, शिक्षक भाषा की कक्षा में व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संघों में केवल समानता असमानता बताता है। जब हम मेमोरी लेवल की बात करते हैं, ऑटोनोमस तो कोई लेवल होता नहीं है, तीन ही लेवल होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। ठीक है,
तो मेमोरी का मतलब क्या है कि सिर्फ आपने रट लिया कि टीचर ने कोई बात बताई और आपने उस चीज को रोट लर्निंग कर लिया, तो ये सबसे छोटा लेवल होता है। तो छोटे लेवल पे क्या होते हैं, बच्चे को ए बी सी डी राइम्स 1 2 3 ये सब सिखाया जाता है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम क्या करते हैं कि बच्चे को सिमिलरिटीज और डिफरेंस सिखाते हैं कि देखो ये काऊ है और ये बुफेलो है, इसके बीच में ये सिमिलरिटीज है और ये डिफरेंस है। तो ये उसको तभी समझ में आएगा जब उसका कंसेप्ट क्लियर होगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। तो राइट आंसर इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। और रिफ्लेक्टिव लेवल थोड़ा और बड़े लेवल की बात हो जाएगी। और बताइए किसी का कोई डाउट है? टू वे कम्युनिकेशन आंसर था क्वेश्चन, टू वे कम्युनिकेशन आंसर। तो वो डेल का क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये था टू वे इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। एक शिक्षक रिफ्लेक्टिव लेवल पे विचारों का आदान प्रदान करता है, तो यहाँ पे किस तरह का कम्युनिकेशन होगा? तो देखो इसके ऑप्शन कितने आसान है कि जब मैंने ऐसा एक प्रोग्राम किया जिसमें आपको भी मैं अपने साथ पार्टिसिपेट कर रही हूँ और आपको भी जो मैं पढ़ रही हूँ वो समझाना भी है, रिफ्लेक्शन मतलब, तो जीरो लेवल तो होगा नहीं। ट्रांससेक्शनल कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। अब या तो वन वे होगा या टू वे होगा, तो क्या होगा यहाँ पे? टू वे होगा ना, वन वे कैसे हो जाएगा? तो एक शिक्षक विमर्शी सत्र का आयोजन कर रहे हैं, आदान प्रदान यानी कि आप अपनी बात बताएंगे मैं अपनी बात बताऊंगी, तो टू वे ही होगा ना। ठीक है गाइस, चलिए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज आपका 2018 का पेपर खत्म हो गया है और अब हम करेंगे डिस्कस 2019 का दिसंबर वाला पेपर, लेकिन उससे पहले आपका टेस्ट होगा 2019 का दिसंबर वाला पेपर, लेकिन उससे पहले आपका टेस्ट होगा संडे को। कल आपकी छुट्टी रहेगी और कल आप क्या करेंगे कि मुझसे प्लेलिस्ट ले लेंगे अगर किसी के पास नहीं है, जिसमें अगर आप जा सक वीडियो जाके देख लीजिएगा, सबकी एक प्लेलिस्ट बनी है जितने प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए उनको एक बार जिन रिपीट कर लो देख के। ट्रांसैक्शनल नहीं हो सकता, पहले आप ट्रांसैक्शनल को पढ़ना कि ट्रांसैक्शनल होता क्या है ना, तब देखना। वो बहुत सिंपल है, टू वे कम्युनिकेशन है यहाँ पे और कुछ नहीं है। टू वे का मतलब वो उसने सीधा लिखा आदान प्रदान कर रहा है। चलिए गाइस, ओके बाय, टेक केयर।